हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। तो चलिए आज का नया वीडियो ब्लॉग नहीं कहूँगी मैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आज आपको बनाने कैसे आप घर पे अपने बच्चे के लिए पनीर बना सकते हैं, जो कि बहुत घर पे बनाने के फ़ायदे ये हैं कि ये आपके आँखों के सामने बन रहा है, आपको पता है कि इसकी प्रोसेस क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हेल्दी है। तो आपने बच्चे को एक स्नैक्स के रूप में या फिर उसकी भुर्जी बना के, जैसे भी आपका बच्चा खाना प्रेफर करता है वैसे बना के दे सकते हैं। तो भी आप देखेंगे मैंने डाला हुआ है इसमें 1 गिलास दूध, और मैं इसको हल्का गर्म होने दूंगी, 2 से 3 मिनट में इसको गर्म होने दूंगी। और अगर आप फुल क्रीम दूध ले रहे हैं तो आप इसको स्टर करते रहिए, हिलाते रहिए, क्योंकि उससे दूध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नीचे नहीं लगना चाहिए और उसमें मलाई नहीं जमनी चाहिए। तो आप इसको स्टर करते रहिए। मैंने ये फुल क्रीम नहीं लिया है, नॉर्मल दूध लिया है गाय का, तो उसमें मलाई मैंने ऑलरेडी पहले निकाल ली थी। तो अब मैं इसको नहीं ला रही हूँ और ये गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास दूध के लिए 1.5 से 2 चम्मच लेमन का जूस। तो मैं अब ये इसमें डाल दूँगी और फिर मैं स्टर करते रहूँगी इसको। तो ये मैं लेमन जूस में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको स्टर करते रहूँगी ताकि ये फटना शुरू हो जाए। हमको उसमें मलाई जमने नहीं देना है बिल्कुल भी। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पक चुका है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है इसकी। तो उसमें जो लम्स बन रहे हैं वो मैं गैस को स्लो कर देती हूँ और लम्स आप देख रहे हैं। तो ये पानी बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए क्योंकि ये गाय का दूध है, गाय के दूध में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है और इसमें मलाई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये आप देख लीजिए पानी अलग हो चुका है, पानी को हम हटा देंगे और जो ये लम्स दिख रहे हैं उसको हम कर लेंगे इकट्ठा, जो कि पनीर बन जाएगा। और ये पानी को आप फेंकिए मत, तो जो आप ये पानी देख रहे हैं वो आप फेंकिए मत, इसका बहुत यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। बच्चों का भी डायरिया हो जाए या उनको लूज मोशन हो जाए तो डॉक्टर मना करते हैं कि दूध ना दें क्योंकि दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आप ये पानी दे सकते हैं, इसमें आप सॉल्ट या शुगर जो भी बच्चा प्रेफर करता है खाना वो आप मिला सकते हैं और ये अपने बच्चे को दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आटे में जो आप पानी यूज़ करते हैं उसके जगह पे आप ये पानी यूज़ कर लीजिए और उसको गूंद लीजिए, तो आपका जो आटा है वो भी हेल्दी हो जाएगा, न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगा। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो मेरा अभी आप देख सकते हैं यहाँ ये लम्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं इनको एक कॉटन के, पहले मैं इसको छान लूँगी, पानी अलग कर लूँगी और ये लम्स अलग कर लूँगी। अब मैं पनीर को इस छन्नी की मदद से छान लूंगी, इसका पानी मैं अलग कर दूंगी। ये पनीर मैंने यहाँ पर अलग कर दिया और पानी वहाँ पर अलग हो गया। अब मैं इससे आटा गूंद लूंगी बाद में, तो मैं इसको रख दूंगी। और ये पनीर मैंने इसके वन टाइम के यूज़ के लिए बनाया, वन टाइम खाने के लिए, तो थोड़ा सा ही निकाला है। तो अब मैं इसको क्या, इसको मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि हमने नींबू की मदद से इसको पनीर दूध को फाड़ा था, पनीर बनाया था, तो जो भी इसका लेमनी फ्लेवर होगा मैं इसको हटा लूँगी। तो मैं इसको पानी से वॉश कर ली, मैंने पानी से वॉश कर लिया है और अब इसका पानी मैं अच्छे से निचोड़ के इसको एक कॉटन के कपड़े में इसको रैप कर दूँगी और मैं इसको रख दूँगी। तो ये कुछ 4 से 5 घंटे में बन जाएगा। वैसे मैंने अभी रात को बना रही हूँ तो ये सुबह तक प्रॉपरली बन जाएगा, तो सुबह ब्रेकफास्ट में या दिन में मैं इसको दे दूँगी। तो वैसे आप पनीर को फाड़ने के लिए विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो विनेगर बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता है, सेफ़ नहीं होता है, इसलिए मैंने नींबू का यूज़ किया है। तो अभी जब ये पनीर बन जाएगा तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। कॉर्नर कपड़े में पनीर को मैं रख देती हूँ, अच्छे से रैप कर देती हूँ, तो ये सुबह तक बन के रेडी हो जाएगा और सुबह मैं काशू को सर्व करूँगी। तो जब ये पनीर प्रॉपरली बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी, वीडियो बने रही मेरे साथ। पनीर जो कल मैंने बनाया था वो हो चुका है बनके रेडी और अब काशु खाएगी इसको ब्रेकफास्ट में। काशु यहीं घूम रही है मेरे आसपास। तो ऐसे ही आप अपने बच्चे के लिए पनीर बना सकते हैं और आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं एंड, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।